इधर थोड़ा पेन डिजास्टर हो गया। जैसा पिंटरेस्ट पे दिखता है वैसा आपकी रियल लाइफ में वैसी ही दिखी है, वो जरूरी नहीं है। क्यों नहीं बताना था, हम सिर्फ सच्चाई बोलते हैं इस चैनल पे। ओके, जस्ट राइट नाउ व्हेन आई एम एंटरिंग द स्टूडियो रूम आई एम नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी। सारा से आई टू माय चैनल। What's up? Welcome back to another episode of Hustle with Sav. You and I, we hustle together. Today is officially painting day. हम सब एकदम ही हमारे घर के कपड़ों में shorts वगैरह पहन के ready हैं. Okay, we put paint and masking tape all over. ये सारे edges हो रहे हैं. And we are also painting this wall. So इसलिए ये वाली भी prepare हो गई है. And also something that is happening, guys. We have shifted the bed from this room. पहले ये room में bed था. It shifted it to this room. So now the bed is being constructed over here. जो बेड घर के साथ आया था वही मैंने कुछ नया बेड नहीं लिया है. अभी बेड चला गया तो कितनी सारी जगह हो गई है स्टूडियो रूम बनाने के लिए. एंड यही रूम में ज्यादा लाइट आती है, विच इज वाई आई मेड द डिसीजन टू शिफ्ट द बेड फ्रॉम हियर टू द अदर रूम. ऑल्सो आई वर्क मोर देन आई स्लीप, सो आई नीड द बिगर रूम फॉर माई वर्क स्टेशन, माई ऑफिस, स्टूडियो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. वी आर प्लानिंग टू पेंट दिस अ डिफरेंट कलर, विच आई एम मोस्ट एक्साइटेड फॉर. बट ये दीवार इतनी ज्यादा बड़ी है ना, हमारी पिंक वॉल से भी थोड़ी बड़ी है. सो आई एम थिंकिंग आई माइट नीड अ पेंटर फॉर दिस वॉल. दीज आर आवर पेंटर्स फॉर द डे. पेंटर नंबर वन अंश. पेंटर नंबर टू. आप लोग ये अच्छे अच्छे कपड़ों में पेंट करने वाले? मैं चेंज करती हूं. महक हमारे लिए रसगुल्ला लाई है फ्रॉम देसाई भाई शॉप. इट्स वेरी फेमस अपेरेंटली. मैंने कभी नहीं ट्राई किया. ओपन सुधर रहे हैं, आगे पीछे हो रहा है वो साइड टेबल और ये. हाँ बट यही करना पड़ेगा क्योंकि इधर अपने को जगह चाहिए कबर्ड. या फिर पलंग थोड़ा और इधर कर देंगे चलेगा ना? हाँ पलंग आगे ले सकते हो. लेवल में कर दो साइड टेबल और बेड. अंदर की गालियां भी बदली जा रही है. रसगुल्ला नई वाटी में नया रसगुल्ला. ठंडा नहीं है ना तो आई थिंक टेस्ट नहीं आया. तो वाओ है यार, अच्छा है ना. मुंबई में भी अच्छा रसगुल्ला मिलता है, इसका बहुत फेमस है कांदिवली में. आई डोंट लाइक मुंबई का रसगुल्ला. अच्छा है ना, जेन्युइनली अच्छा है ना. जेन्युइनली अच्छा है. सारा से आई टू माय चैनल. ओके गाइस, आर यू रेडी? Ready to see the paint that will go on Impulse ka corner? वो दिन से तो बहुत अच्छा. ये कलर हमने डार्किन कराया है, पहले हमको बहुत लाइट लग रहा था. ओके, वी मिक्स्ड पेंट. दिस इज द फर्स्ट कलर फॉर द इम्पल्स कॉर्नर एंड दिस इज कॉल्ड कॉपर कोस्ट बाय एशियन पेंट्स. पानी के साथ एक प्रोपोर्शन मिक्स किया है मैंने. This is a mixture of all of our hands. जिसपे second coat आएगा तो ये सब even out हो जाएगा. But I think it's a very good effort. Color for this wall, it's so yummy. This is going to be a bold color moment on this wall. पूरा घर का नक्शा बदल सकता है. Okay? बहुत ही important wall. वही घर में घुसते के साथ वाली दीवार पे आप काम कर. सफेद ही रहेगा. Can you see the difference, guys, in a first coat and second coat? पूरा even out हो जाता है. So never get demotivated on your first coat. ये लोग बहुत demotivated हो गए थे first coat पे, अभी एकदम confident हो गए. ये वाला color choice मम्मी का था and we chose a color which is looking good in golden hour. और जब अंधेरा होगा white light सब में मस्त लगेगा ये color. इस पे ऐसा लग रहा है red wine गिर गई है, इस पे ऐसा लग रहा है coffee गिर गई है. इधर थोड़ा पेन डिजास्टर हो गया एक मिनट के लिए, काफी पेन जमीन पे गिर गया. बट कुड बी सैल्वेज मोस्ट ऑफ इट.
Burgundy is a little difficult to work with. I'm trying to do the second coat but bahut flat ho raha hai. Literally main puri aise wine mein ghir chuki hu. Look at that. Ye pure mere haath. Only by rolling the roller. ये नया ही डाली हूँ मैंने, ये भी नया, सब नया डलवाई हूँ. ये इसका हैंडल बदलो, ये बदलो एकदम. हाँ, ये इसका बेप ये वाला बदल कर दो. ऑल ऑफ दिस आई एम गेटिंग चेंज. लुक एट दिस, ये ग्लास ऐसी निकल रही है. ये लकड़ा जाएगा, कांच आएगी इधर, इधर भी ये जाएगा. क्या बोले राजकुमार अंकल? कौन सा शेल्फ? दो है ये. हाँ. एक वापस कर दूंगी फिर, क्योंकि ये वाली बाथरूम के बराबर है ना शेल्फ. ओके गाइस, दिस इज द प्रोग्रेस वी मेड. आई वुड से इट्स अ वेरी गुड प्रोग्रेस. ये मैंने कंप्लीट करने की कोशिश ही नहीं की, बस पापा ने मेरे सारे एफर्ट्स पे पानी डाल के बोले पेंटर को बुला और हाथ मरवा दे. तो ये हमने पेंटर बुलाया है, एकदम एक्सपर्ट है ये. इशू, यू विल डू पेंटिंग? जस्ट कीप क्वाइट, बहुत सारे बल्ब है. सबरीना की सनग्लासेस पहन रही है, जरा बोल इन लोगों, देखो आग का ही है. इसलिए वरना लगेगा मेरे को इतने सनग्लासेस पसंद है तो बहन को भी चिपका रही है. कौन सी चप्पा? वो खुद को भी इतना फनी लगता है, वो खुद भी हंसता है. खुद बोलता है, हंसता है. फज का बेचारा, वो थोड़े ऐसा पेंट में आ सकता. इसको भी तो क्यों लाई, इधर उधर हाथ बस कर देवे फिनिश. ये इधर का बल्ब है, बहुत बल्ब है हमारे पास. नो फजा, नो क्या नाम है इसका, ईशान. ऐसी सिलाई चाहिए पीछे और ये साइड में भी, और ये आधा रखना, हाई टॉप नहीं, और दो लोग बैठ सके वैसे. यूजुअली टू सीटर का कितना होता है? 17-18 फिर इसका लुक नहीं आएगा मेरे हिसाब से, 20 रखो. ठीक है, आप बैठो ना यहाँ, 20 इन देखो, ये हाथ है, अभी हाथ रख के यहाँ बैठो, ये कंधा तो पकड़े कम से कम. ये देखो यहाँ तक कंधा तक आएगा, कंधे तक. चले, इसका फोटो मुझे लेके क्लियर है, फोटो मैं भेजती हूँ, मेरे पास है. बट ये भी सिलाई देखो, ये सब एग्जैक्ट चाहिए. यही पैटर्न, ये काजू पतली पैटर्न में, और ये भी पीछे ऐसा काजू पैटर्न है, यही बन. और ये सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज टू गेट अ टू सीटर फॉर द न्यू हाउस व्हिच लुक्स लाइक दिस बट विल बी इन अ डिफरेंट कलर. तो कुछ तो मैच करने के लिए स्टिच वर्क हैज टू बी द सेम. इधर 16 इंच जैसा बोल रहा हूँ, 18 रहता है हाइटेड आदमी, 18 ये पकड़ना चाहिए. ये मेरे को पकड़ दे, मैं हाइटेड ही हूँ. और इतना 16 इंच, और ये भी देख लेना, सोफा में बहुत थिक होता है, वरना ये बराबर है इतना. ये 22 है, हम लोग 21 रखते हैं, इतना नहीं नहीं 22 रखो, 22 ये बहुत कंफर्टेबल है. चेयर ऐसी बननी चाहिए मेरा सोफा. आई होप इट मैचेस, आई फील इट विल. ही इज अ गुड, आप अच्छा काम करोगे ना भैया. ही डज अ गुड जॉब. We know him since a while. इसमें कितना डेंसिटी फोम है? 32 डेंसिटी पे, 50 डेंसिटी बीच में फट गया फोम. ओके, तुम खराब मत करो मेरा एग्जिस्टिंग. तुम 50 डेंसिटी डालोगे? A little longer than a few minutes later. तो बाजू में झाड़ और कुछ भी रखूंगा स्टोव पे. तो 5 फुट इतना है, 2 सीटर ना, बीच में रखेगा और ऐसे गिरेगा. हाँ, लाइन ऐसी इधर से झाड़ आएगा बीच में, उसे पीछे स्विच बोर्ड ढक जाएगा, फिर आप यहाँ मोटा दिखेगा, ऊपर आगे पतला दिखेगा, वो गंदा लगेगा. मतलब ये बहुत डार्क है, जो मेरी कुर्सी का बना है वो वैसा. इस टोन में लाइट कलर चाहिए. ये जो है ना, इससे एकदम लाइट, इससे लाइटर. ये मेरी कुर्सी का डार्क है, ये तो लाइट है, ये वाला, दिस इज डिच, दिस इज आउट. ये दिखाओ जो फोटो दिखाया ना, फोटो भेजिए इसके. दिस इज फाइन. ओ हाउ अबाउट वी गो इन अ लाइलैक अंडरटोन? आई लाइक दिस. दीज टू पिंक विल लुक बेटर. अपना ये येलो है ना,
शेर का ये वाला है पिंक ना, ये जल्दी धूप लग के वॉश भी हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। दिस इज सोडा एंड दिस इज डल आल्सो। या ठीक है उसका कर दो। कितना आएगा सोफे का फाइनल? भैया बांगुर नगर वाले ना मुझे 17 में करके दे रहे। 1-2 सीट हो योर, 1 येलो चेयर योर। इफ वी वांट टू पुट द गद्दा सो टू बी योर पुट द गद्दा एंड देन वी कैन गेट आवर वाइट टेबल व्हिच वी करंटली हैव। वो ये वाला है 2000 का रिवॉल्विंग और सीधा सीधा बैठने का 2000। योर अ वाइट चेयर नो ओनली टू पीपल कैन सिट कंफर्टेबली व्हिच करंटली यू एंड आई सिट। सो इफ से महक एंड आंशु सबरीना एंड महक पायल हुए इधर एक चेस्टरफील्ड रख सकते जो घर में एंटर करे उनको बैठ के जूते भी डालने के लिए कि नहीं ज्यादा हो जाएगा। ये वाली चेयर का भाव बोलो क्योंकि रिवॉल्विंग वाली कलर नहीं मिलेगा, इसका भाव बोलो। 12000 चेयर और बनाने में कितना पड़ेगा? तो फिर क्या इम्पोर्टेंट मान आइडिया का मान आप फर्स्ट जोमेटो इन दिस न्यू हाउस। चाय की चीयर्स। व्हाट इज द आयरनी हम चाय पी रहे सबसे पहले घर में। The next morning. What's up guys? It's 31st of November. It's Monday. मेरा face थोड़ा सा swollen लग रहा है because I've gotten my face treatment done weekend पे थोड़ा rest करके। तो हमने दो दीवारें paint की थी खुद से and we did the fine wine wall in the hall in the living room and impulse के corner पे हमने copper toast color किया है। So I'm gonna go and show you all what the final outcome is like. हमने दो coat चढ़ाए थे उसके बाद एक wall के लिए I have called a painter and gotten that done because हमको time नहीं मिल रहा था as a team and just I have also been busy in other things also. I'm also traveling very soon so getting prepped for that. इसलिए एक दीवार के लिए पेंटर को बुलाया था तो उसने एक हाथ दोनों दीवारों पे भी मार दिया फिनिशिंग टच क्योंकि of course we are not professional painters, हमारा काम इतना पक्का वाला नहीं था। IKEA के फर्नीचर्स असेंबल हो गए so over the weekend all of this work was done. I'm gonna show you all what the finished product of everything looks like. So let's go to the new Sarah Squad Studios. I put a lot of blush and like pinked up my face because it's looking so swollen and I'm not used to seeing my face like this. ठीक हो जाएगा, वो 3-4 दिन में ही swelling ठीक हो जाती है। This is that face PRP treatment जो मैंने vlog किया है और पहले भी आपके साथ share किया है, इसका भी vlog आएगा। But now let's go see the new house. Okay, so before we go to the new house and I show you all कि हमने जो paint किया है वो कैसा दिख रहा है, I'm going to buy one more color. उसके बाद we will show you what our paint job looks like right now. येलो लाइट में ऐसा दिखता है, डार्क लाइट में ऐसा दिखता है। ड्राई सेज लिया। वाओ, दिस इज सच अ नाइस कलर, दो डिफरेंट। नो, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। नो, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। दिस इज वेरी हरा भरा ना, कबाब के जैसा। दिस स्पिनच सोन ये शेड में हो। भैया ये कलर से आप कुछ हेल्प कर सकते हैं, नजदीक कौन सा शेड होगा? क्या मोबाइल के अंदर है ना, बाहर होता तो मजा आता। बाहर होता मतलब दीवार निकाल के लेके आती हो। आई लाइक दिस शेड उसको ना, एमरल्ड ग्रीन जो डार्क हो जाएगा, एमरल्ड वैली। This is still bluish green. So the color guys we've done right now on the studio room wall is dry sage. अभी इतना light दिख रहा है और हमारे घर में भी इतना light चढ़ा है तो वो बहुत ही hospital vibes दे रहा है। We are trying either to go darker in this olive or emerald valley. I like this color also. Yeah, this is more green blue. And this is cool toned green proper sage. कौन से प्रोडक्ट्स आए थे अपने पास? Find your happy place. वैसा वाला है ये। अच्छा वाइब वैसे नहीं, ब्लू वाइट ग्रीन वाली सी ग्रीन। या इट्स मोर एक्वा, इट्स मोर एक्वेरियस देन। या एंड दिस इज मोर कूल टोन। ये ले ले भी भैया, ठंडा कलर है, डार्क कलर तो है, लाइट है ना थोड़ा। लुक दिस इज मोर एस्थेटिक वाइब्स, एकदम प्रॉपर एस्थेटिकली बनाना है सब कुछ। I think this. This, even I do. Better on your skin. Yeah. Better on my skin and just right now when I'm entering the studio room, I'm not feeling very happy. Like this color is not my vibe. It's not giving me those vibes. Mm-hmm.
गाइस अगर आप लोग अंधेरी से हैं एंड यू वांट टू बाय पेंट कम टू द बैरमबाग वाला सिग्नल टू दिस क्लासिक वर्ल्ड वाला शॉप. इट्स सो चीप एज कम्पेयर टू जहाँ हम ओल्डमाड़ा से लिए पेंट. दैट प्लेस वाज लुटाओइंग अस. ओके कपल ऑफ व्लॉग्स पहले दिखा होगा जहाँ हमने पेंट खरीदा है पर लीटर 850 रुपीज दिया है. यहाँ पे पर लीटर 670 रुपीज है. 200 रुपया पर लीटर डिफरेंस आ रहा है. सो सेव इट द नेक्स्ट टाइम आई विल ऑल्सो ट्राई. अभी हमारे पास इतना पेंट है ना, इतने सारे एक एक लीटर के कैंस है. पिंक नहीं यूज हुआ, बेक्ड बिस्किट नहीं यूज हुआ, वॉलनट वो ब्राउन नहीं यूज हुआ. कर देंगे क्या होता है? बेक्ड बिस्किट अपन बाहर बॉइल भी कर सकते हैं. बालकनी ट्रांसफॉर्मेशन या बालकनी ट्रांसफॉर्मेशन बाद में होगा. दिस इज व्हाट आवर फाइनल फाइन वाइन इज लुकिंग लाइक. Yes. Yes. Do you guys like your outcome? Yes. तुम लोगों के कोट पे मैंने एक कोट चढ़ाई और मेरे कोट पे पेंटर अंकल ने एक कोट चढ़ाया. क्यों नहीं बताना था? हम सिर्फ सच्चाई बोलते हैं इस चैनल पे. ओके दिस इज व्हाट द कॉपर टोस्ट कलर इज लुकिंग लाइक तीन कोट के बाद. एंड दिस इज व्हाट द स्टूडियो रूम इज लुकिंग लाइक गाइस. अभी ये मुझे थोड़ा सा ऑफ लग रहा है. दिस इज द आइकिया टेबल जो हमने नया खरीदा है. वो जो हमने इमेजिन किया था ना उससे थोड़ा लाइट लग रहा है. इट्स सुंदर, इट्स स्टिल वेरी प्रिटी, बट द ओनली थिंग इज ना दिस विद द व्हाइट फर्नीचर गिव्स मी फुल हॉस्पिटल वाइब्स बिकॉज स्क्रब्स के कलर ये ग्रीन कलर के होते थे. सो इट्स रिमाइंडिंग मी ऑफ द हॉस्पिटल विच इज व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर a darker color for this room also because dark colors बहुत सुंदर लगते हैं. और ये रूम में हमने पूरा व्हाइट पेंट कर दिया है. आपको अगर याद होगा तो दिस हैड सम वियर्ड लैवेंडर कलर. दिस इज द अपडेट्स ऑफ द हाउस. सी दिस कलर ऑन माय कॉम्प्लेक्शन लुक्स अ लिटिल टू लाइट. और व्हेन आई एम कमिंग इनटू दिस रूम ना इट्स नॉट गिविंग मी दैट हैप्पी वाला वाइब. और ये मेरा स्टूडियो रूम सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. तो मुझे रातों की नींद मेरी खराब हुई है सोचने में कि आई वॉन्ट अ कलर विच मेक्स मी हैप्पी. लाइक द लास्ट पिंक वी हैड used to make me really, really happy. This green is not my vibe totally. So we are going to go slightly darker and see what that looks like. एक तिलक से क्या समझेगा अपने को? आप थोड़ा सा रोलर घुमाओ ना उधर नीचे. ऐसे भी करने ही वाले हम. करने का तो फिर दाव आएंगे यहाँ पर डार्क लाइट हो जाएगा. अच्छा ओके. This is like the difference. और इधर लीकेज है but we are not fixing that. एक बार देख लो किस वॉच किया है उन्होंने नीचे. Does it look good? The darker color. You need, but I was keen on this color. But if you need this color, I love this color. आई लाइक इट. या बेब अगर ये 5,000 का तो अपन एक्सचेंज करें. प्लीज प्लीज अपन ये लाइट जलाएंगे भी नहीं. महक रेगुलर 500 वाले प्लैंक ले. हम पहला शूट कर रहे हैं इम्पल्स का. पहला शूट ही कर रहे हैं मेरे सूजे हुए चेहरे के साथ. आई लव द हाउस व्हेन इट्स एम्प्टी. यू नो आई डोंट फील लाइक पुटिंग एनी फर्नीचर ओवर हियर. कॉफी कॉकटेल एस्थेटिक्स. The one coat, this is what we are looking at with the emerald green. I like this better. Does this change anything for us in terms of interiors? Now he's filled that na. So now I was thinking one plank and then frames and stuff. वो lac के साथ इसके साथ एक level में ले लेंगे white plank. इस पे एक और coat आएगा ना? हाँ. Better? मस्त है, बहुत मस्त है. इस पे जब शूज बैग. दिस इज शो पीस. नहीं तो एक एक्सचेंज कर सकते हैं. तीन है ना? कंप्लीट कर लीजिए, मैं कल आके देख लूंगी. चलेगा? Much, much later. I went and got my nails painted in the evening because I left the painter uncle to do the green wall. I've done these Y2K nails, lavender with this heart and yin yang. Itna time laga isko karne ke liye. It looks really, really pretty and I'm excited to go see the outcome of the green wall kal. Literally, this color is the color of the wall. And zyada pastels ke saath is ghar mein khela tha. The only bold color we went for was the blue in the hall. But apart from that, we kept everything very muted. This house, we've gone really bright with the colors and more deeper undertones because I've realized color theory is so important guys, especially when you're darker skin tone like me and you have a warm undertone like mera undertone ekdam yellow hai. Like warmer colors and make my skin look a lot more fresh and happy, vibrant, and I feel happy. Like color theory is that, you know, you feel
अ सर्टेन एनर्जी इन अ सर्टेन कलर. अगर बहुत लोगों को लाइक लाइट से इश्यू होती है और वो लोग ऐसे एकदम ब्राइट लाइट में चले जाए एंड बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, वैसे ही मुझे अगर एकदम ज्यादा डार्कनेस में रखा आई गेट वेरी लाइक ग्लूमी. आई लाइक ब्राइटर कलर्स, आई लाइक लाइट. पूर्णिमा लाइक दैट, लाइक पूर्णिमा को एकदम अंधेरा चाहिए तो दिन भर अंधेरे में ही रहती. पूजा भी ऐसा पूरा अंधेरे में रहती है. सो एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट कलर थियोरी, बट ये बार हमने ज्यादा पॉपिंग ब्राइट डिफरेंट मोर बेवरेज बेस्ड कलर्स रखे, वाइन एंड कॉफी एंड ग्रीन इज लाइक दिस लाइक टोपाज एंड ज्वेलरी kind of green. I'm excited about this green so much more than that sage green. वो sage green डब्बे में अच्छा लग रहा था, वो पेपर पे अच्छा लग रहा था, बट वो दीवार पे रूम पे लगने के बाद मुझे इतनी मजा नहीं आ रही थी उसकी. I was first thinking कि sage green दीवार होगी तो emerald green furnishings कर सकते हैं, like the chair and accent pieces and decor can be emerald green around it, and जो plants रखेंगे dark green color के पत्ते होते plants के ज्यादा निखर के आएंगे. That was my plan of action, but जैसा Pinterest पे दिखता है वैसा आपकी real life में वैसी दिखे वो जरूरी नहीं है. So you can't like, you know, try to make everything Pinterest max. You have to like adjust according to your settings and your mood and your vibe. So that's what we're doing, and I'm gonna have an emotional week because it's moving week plus the finishing touches of the house are going on. We're gonna take it and soak it all in. I woke up tomorrow morning. I'll see you guys tomorrow. The next day. Looking something good. डार्क इज लाइट, या दैट वाज वेरी लाइट. एमरल्ड इज मोर माय कलर बिकॉज़ पूरा व्हाइट है ना रूम, तो ये स्टैंड आउट अच्छा लग रहा है. नाइस लुकिंग फ्रेंड्स, मस्त लग रहा है. चक बहुत बेटर लग रहा है. लाइट ना हम लोग नाउ चेयर वील टेक अ लाइट और सेज इफ वी टेक अ फैब्रिक और वील टेक अ व्हाइट चेयर. व्हाइट वील टेक द नेट वाला एर्गोनॉमिक ना. मैं सोची थी गोरेगांव जाके अपन ट्राई करते, एक बार सब हो जाए ना ये हफ्ते में, फिर आराम से कर सकते. That's all you guys for this very crazy painting vlog. I really hope you all enjoyed. इस बार हमने बहुत ही different colors choose किए. I missed my friends so much. मेरा last studio paint करते समय I had all my friends with me and we all did it together. अभी काफी बड़े हो गए सब लोग, college, university, आधे लोग तो मुंबई में ही नहीं है. कोई भी actually मुंबई में नहीं है. दिशा, पूजा, रोशनी कोई भी मुंबई में नहीं है. इस बार I did it with my team and it was really fun also. But हम लोग को of course काम भी होता है, so half job painter uncle had to do and half job we had to do. But I really hope you like the color. I am feeling this emerald green a lot more than the sage green. Sage green Pinterest pe jitna sundar dikh raha tha utna sundar meri skin tone aur meri vibe ke sath nahi ja raha tha. This is more richer looking and zyada matlab mere sath wo vibe kar raha hai. So I love this so much more and I'm so glad ki humne color change kiya. And the other colors also you have seen, slowly slowly the home is coming together. I'm so glad. Ek ek cheez jab lag jati hai, jagah pe chali jati hai, itni khushi milti hai. And the home series, I really hope you like enjoying putting this studio home together with me. If you like this video, don't forget a big thumbs up for everyone's effort. For today's video, Sarasquatch shout out goes to Linesha Sahu. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be a part of next video Sarasquatch shout out, you know what to do. Hit that subscribe button, bell icon right next to it, and also leave a comment down below saying hashtag Sarasquatch and chance to be part of my next video Sarasquatch shout out. I will see you guys very soon in another video. Bye guys, love you. Mwah.